ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର, ଆଉ ବିଜେପିର ଚାଲିଛି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର। ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଏହି କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ତରଫରୁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରୂପ କୁମାରୀ ଚୌଧୁରୀ ଯିଏ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଉ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ରୂପ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ସାର, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ସାର ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ରହେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିଲେ ଆଏ ହେଁ, ଏହାକା ବାତାବରଣ କେସା ହେ ଆର୍ କେସା ଅନୁଭବ କିଏ ଆର୍ କିଆ ବୋଲେଙ୍ଗେ। ପୁରେ ଓଡ଼ିଶା ମେ ପଦୁମ ଫୁଲ କି ସରକାର ବନାନେ କେ ଲିଏ ଅର୍ ମୋଦୀ ଜୀ କୋ କେନ୍ଦ୍ର ମେ ତୀସରି ବାର ରିକାର୍ଡ ବହୁମତ କେ ସାଥ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନାନେ କେ ଲିଏ ଓଡ଼ିଶା କି ଜନତା କେ ବିଚ ମେ ଲହରୀ ନହିଁ ସୁନାମି ଚାଲ ରହି ହେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ବହନ ଆଜ ପଦୁମ ଫୁଲ କେ ଲିଏ ସମର୍ପିତ ହୋକର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କା ସାଥ ଦେନେ କେ ଲିଏ ସମର୍ପିତ। देखिए सर, आप छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर चार्ज में हैं, वहाँ का सिस्टम क्या है, कौन सा स्कीम लागू हो रहा है, ओडिशा में कौन सा स्कीम लागू नहीं हुआ है जोद्वारा कि ओडिशा के लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए, यही बगल में छत्तीसगढ़ के लोगों ने 5 महीना पहले ही पदुम फूल की सरकार बनाई, लोगों ने वहाँ के लोगों ने सही डिसीजन ले लिया, सही दिमाग लगा लिया। तो यहाँ पे मैं सुना कि 1 एकड़ पे 2100 रुपए के भाव से 13 क्विंटल धान की खरीदी किया जा रहा है बीजेडी की सरकार के द्वारा, पांडियन के द्वारा। लेकिन छत्तीसगढ़ में 1 एकड़ के पीछे 2100 रुपए में 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। अगर रुपए के हिसाब से देखें तो यह 27,800 रुपए प्रति एकड़ धान की खरीदी की जा रही है, वहाँ 65,100 रुपए धान की खरीदी की जा रही है प्रति एकड़ पे। तो ये बहुत बड़ा अंतर है किसान भाइयों के लिए, ग्रामीणों के लिए। माताओं बहनों की दृष्टि से वहाँ महतारी वंदन योजना चलती है, 1,000 रुपए प्रति माह हम माताओं बहनों के खाते में डालने का काम करते हैं। यहाँ सुभद्रा योजना की मोदी साहब ने गारंटी दी है, जिसके तहत माताओं बहनों को प्रत्येक माता बहन को 50,000 रुपए का कैश वाउचर मिलेगा, सिर्फ 3,000 रुपए का ओल्ड एज पेंशन, 300 रुपए की 300 यूनिट तक की फ्री बिजली, जैसे बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स भी हैं। और दूसरी ओर सबसे बड़ी बात, उड़ीसा अस्मिता का सवाल खड़ा हो गया है और मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी उड़िया बेटा या बेटी ही पदुम फूल की सरकार बनने पर उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनेगा, जबकि बीजेडी एक तमिल को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाने का षड्यंत्र रच रही है। पांडियन जी को चाहिए कि अगर वो राजनीति करना चाहते हैं तो तमिलनाडु की गलियों में जाएं, वहाँ लोगों की सेवा करें, गांव गली की राजनीति करें, धूप और धूल में संघर्ष करें, इसी कमरे में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेते हुए हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए उड़ीसा पर कब्जा करने का प्रयास न करें। और एक बात आप बोल रहे थे जो रत्न भंडार का चाबी के बारे में आप जो स्टेटमेंट दिए, क्या बोलेंगे सर उसमें? रत्न भंडार के चाबी के का कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है, बहुत बड़ी गद्दारी प्रभु जगन्नाथ जी के साथ लोग कर रहे हैं। कोर्ट में भी शायद ऐसा मामला इन्होंने प्रस्तुत किया है कि चाबी गुम हो गई है, ऐसे मेरे को सुनने में मिला है। बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यजनक है, जो लोग प्रभु जगन्नाथ स्वामी जी के साथ गद्दारी कर सकते हैं वो लोग उड़ीसा की जनता के साथ क्या न्याय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारी महिला बहनों के अकाउंट में हर महीने 3 तारीख तक 1,000 रुपए उन महिलाओं के खाते में आ जाते हैं और भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए लगातार काम किया है। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की जो योजना लागू की गई है ना, उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है और समूह की बहनें भी आज लखपति दीदी बनके तैयार हो रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात मैंने कही, 15-16 में ही जनधन खाता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही महिलाओं का खाता खुलवाया था, नहीं तो आज तक अपने घर परिवार के लोग भी महिलाओं के लिए कभी खाता नहीं खुलवाते थे और आज सीधे सीधे पैसे उनके अकाउंट में आते हैं। आपने ये भी सुना होगा जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो विकास के लिए जब 1 रुपए भेजा जाता था तो उसमें से नीचे धरातल तक 15 पैसे पहुंचते थे, बाकी 85 पैसे गायब हो जाते थे। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सोच है, नियत और नीति स्पष्ट है कि पूरे के पूरे पैसे उनको मिल रहे हैं, उनके योजनाओं को फायदा मिल रहा है और हमारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं। आप छत्तीसगढ़ से ओडिशा प्रचार के लिए आए हैं, यहाँ का माहौल कैसा लगा और कैसा अनुभव कर रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देश में तो प्रधानमंत्री मोदी जी 400 पार के साथ आ रहे हैं, इस समय उड़ीसा प्रांत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, डबल इंजन की सरकार पूरी गति के साथ आगे बढ़ेगी।
देखुले छत्तीसगढ़ आसीबा अर्थमंत्री कथा कहतु कि सांसद प्रार्थी कथा कहतु केन्द्र सरकार विभिन्न योजना वर्तमान लोक मानते पहुंचुची महिला कथा कहतु किंवा चाषी कथा कहतु समस्ते वर्तमान आत्मनिर्भरशील होती एथर ओडिशा परिवर्तन हबो एवं एक विकासशील ओडिशा गठन हबो दृढ़ोक्ति प्रकाश करते छत्तीसगढ़ आसवा पर तार हाव स्पष्ट हो सारा से दृढ़ोक्ति प्रकाश करते कुचिंडारु कैमरा पर्सन निर्माण को सह रंजन कुमार मिश्र अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।